अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी है इस वक्त 12 बजे का टाइम है और मैंने अपने व्लॉग का कर लिया है दोपहर से स्टार्ट, क्योंकि अभी मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा चलिए प्यारे से व्लॉग का जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए जी, साथ साथ जो है घर बिल्कुल जो है कंप्लीट सफाई जो है बिल्कुल हो चुकी है और वहाँ पे पीछे बैठ के मैं यहाँ पे देखिए जी सब्जी काट रही हूँ। और मैं क्या बना रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ आलू और पालक की सब्जी। और जो मेरी हेल्पर है वो सफाई वगैरह करके जा चुकी हैं और अभी उनको किसी दूसरे घर में जाना था तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। और मैंने उनको बोला कि मैं मशीन लगा के रखती हूँ, आप जब तक आ जाएं। यहाँ पे देखें जी मशीन भी लगाई हुई है, नए नए कपड़े थे जो धुल रहे हैं और घर की सेटिंग जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पे देखें जी चेंज नज़र आ रही है। फ्रिज यहाँ पे रख दिया, बस एक दो दिन में फ्रिज जो है उसकी जगह पे रख देंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए जी सोफे इस तरीके से मैंने फिलहाल लगाए हुए हैं। तो चलें जी फ्रेंड्स, फिर मैं सब्जी बनाती हूँ और जो भी शेयरिंग होती है आपसे वो शेयर करते हैं। थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जी प्याज पालक आलू कट चुके हैं, अभी लहसुन छील रही हूँ, लहसुन छील चुकी हूँ उसके नीचे, और अदरक मसाला आलू और ये पालक। वहाँ पर देखें जी घर थोड़ा सा बिखरा हुआ अभी समेट, और यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गए और मसाला भी पीस लिया मैंने, बस इतना ही ब्राउन करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना। और ये ब्राउन हल्का सा मसाला हो गया, इसी के साथ लाल मिर्च हल्दी नमक और टमाटर काट के डाल दें। अब इनको अच्छा सफाई करते हैं, मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा डाल दें मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये पालक पहले डालेंगे, पालक को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। पालक यहाँ पे देखें जी अच्छे से फ्राई हो रही है और अभी इसमें डाल दूँगी आलू। पहले अगर आलू डाल देती तो फिर आलू बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आलू डाल चुके, यहाँ पे देखें जी मिक्स कर चुके हैं और अभी हल्की आंच पे छोड़ दूंगी तो ये अपने ही पानी में आलू और पालक अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैं फिर इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन जो है बिल्कुल नीट है और यहाँ पे ढक्कन ढक रही हूँ उसके ऊपर, आँच थोड़ी सी नॉर्मल कर देती हूँ। यहाँ पर देखें जी किचन बिल्कुल नीट है, थोड़े से बर्तन रखे हैं मैं अभी तो समेटूँगी। तो चलें जी फाइनल जो सालन का रिज़ल्ट है वो आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा जी सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे देखें जी ये अपने ही पानी में आलू और पालक की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई मज़ेदार सी, और इसको ढक्कन ढकते हैं। यहाँ पे मशीन जो है चल रही है, ये वाले कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ और ये वाले भी निकाल चुकी हूँ, अभी वो आने वाली हैं, फिर वो आके हेल्पर जो है मेरी निकालती हैं कपड़े। और ये नए वाले कपड़े थे, ये मैंने खुद ही धो के अभी फैला दिए हैं क्योंकि फिर इनको कलर चढ़ जाता है सारे कपड़ों का। एक तिरजा का सूट है और एक मेरा। अच्छा जी यहाँ पे ये जो खड़ी हुई थी ये बहुत अच्छी हैं, ये न्यू मैंने इनको अभी अभी रखा है काम पे, और ये मेरी हेल्पर हैं बहुत अच्छी। ये वाला जो मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, मैंने और इम्तियाज़ ने आज तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा के इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान था जो निकाल के फेंका है और ये रूम पूरा क्लीन किया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरा घर जो है बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। और यहाँ पे इम्तियाज़ को अर्जेंटली कॉल आ गई थी, इम्तियाज़ को कहीं जाना था तो मैं जल्दी से इम्तियाज़ के पहले कपड़े इस्त्री कर रही थी, इससे पहले खाना वाना सबको खिला चुकी थी। आज मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी डे गुजरा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर की जो है वो सेटिंग आज थोड़ी सी चेंज की है और उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा काम था। अच्छा जी यहाँ पे शाम हो चुकी है, शाम हो चुकी थी, इससे पहले मैं बच्चों को नहला लिया था मैंने और हेल्पर जो है कपड़े धो के जा चुकी थी, और उसके बाद भी मैंने काफ़ी कपड़े खुद भी धोए हैं और काफ़ी काम था जो उसके बाद मैंने उनके जाने के बाद किया है क्योंकि घर काफ़ी बिखरा अच्छा हुआ था। अभी मैं कंघी कर चुकी थी, जो आ जाओ अंदर, अभी तिरजा और अमूस जो हैं वो खेल रहे हैं और अभी चाय बनाते हैं। मशीन में अभी भी कपड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा आज कपड़े थे, कुछ वो धुलवा के चली गई थी और कुछ अभी भी हैं वो कल धुल जाएंगे। अभी सब लोग पीछे टीवी देख रहे हैं बैठ के, और मुझे ना ये वाली लाइट काफ़ी बिजली जो है ना से इस्तेमाल होती है, ये वाली लाइट मैं बंद कर देती हूँ, बच्चे बाहर चले गए दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ। अच्छा जी काम आज बहुत ज़्यादा था और बच्चों को जो है मैंने दोनों को नहला भी दिया था और फिर उसके बाद ख़ुद भी मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और इम्तियाज़ अभी इस वक्त किसी काम से गए हुए हैं और अभी उनको मैंने कॉल की है कि आते हुए समोसे और जलेबी लेके आइएगा। अच्छा जी आज जो है वो रोज़ा नहीं था हम लोगों का, खुदाम ने चाहा तो सुबह से फिर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। वैसे खुदाम का शुक्र है जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं हम लोगों ने एक भी रोज़ा मिस नहीं किया, हम लोगों के रोज़े जो हैं वो चल रहे हैं। और अभी बस जी पापा का वेट हो रहा है और यहाँ पे जी चाय बन रही है,
यहाँ पे तिजू के नूडल्स बन रहे हैं और तिजू जो है ना खुद बना रही है, ये तिजू बैठी हुई ये बना रही नूडल्स काफी ज्यादा भुज भाई के और अपने लिए। यहाँ पे देखिए जी तिजू नूडल्स बना रही है अपने लिए नूडल्स। समोसे जो है वो नहीं मिले तो इम्तियाज बस जलेबी ले आए हैं, अभी निकालती हूँ। समोसे नहीं मिले और बस इम्तियाज जलेबी ले आए काफ़ी ज़्यादा। ये हम पे देखें जी, चलें जी आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ओके जी, बाय बाय, खुदा हाफिज़।